Oh, my baby. बनाओ जरा, ये आपको आता है ये बनाना? हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। और सुबह जो है वर्किंग डे है, स्कूल का टाइम बच्चों का जो है होने वाला है। मैं जल्दी जल्दी से जो है ना ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी आज, ज़बरदस्त मज़े के जो है मैं पराठे बना रही थी बटर वाले। और फिर उसके बाद मैं स्कूल चले गई, और फिर उसके बाद हसन और मैं अब घर में थोड़ा सा फन करेंगे। सरप्राइज, वाओ, स्नो तो मेल्ट हो ही नहीं रही है ना। ये आज मंडे, फ्राइडे को स्नो हुई थी और आज ये मंडे है अभी तक के, और मेरे यहाँ से लास्ट मंडे से स्टार्ट हुई है स्नो। पूरा 1 वीक हो गया, 7 डेज हो गया, और स्नो जो है ना वो हिली नहीं, इतनी ज़्यादा स्नो है, सारी स्नो है। बनाओ जरा, ये आपको आता है ये बनाना? हाँ। ये ए है? नहीं, फोर। ये फोर है? हाँ फोर। तेरे घर जो बनाया देखे ये जेब नहीं, सिर्फ 14 बनाए। 14 बनाया? हाँ 14 ऐसे होता। अच्छा, और जैसे ए बना दी, देखो ए बना। चलो बस अब आ जाओ, नीचे से बहुत कोल्ड आ रही है। लेकिन इसको प्ले करना। चलो, इसमें रखी है स्नेक। स्नेक रखी है इधर? हाँ, सारी स्नेक रखी है। क्यों, चेक करा? ओके, आपको ब्यूटीफुल लगेगा स्नेक। ओके, सरप्राइज। वाह, खाई थी। यम्मी थी। हाँ, स्नो मेल्ट क्यों नहीं हो रही हसन? पता है, क्योंकि रेन नहीं आती, क्योंकि ज्यादा स्नो है। ज्यादा स्नो है? हाँ। कब मेल्ट होगी? जब तुम ज्यादा देर होगी। ज्यादा देर? बस थोड़ी वाली रेन होगी, छोटी सी रेन। रेन से मेल्ट हो जाएगी? नहीं, छोटी सी रेन नहीं मेल्ट होती, बिग रेन से। हाँ, लेकिन अभी थोड़ी बिग रेन। लेकिन सर देखो, इधर रेन आई थी तो लेकिन फिर स्नो हुआ, उसको फिर स्नो रेन को मेल्ट करती। स्नो रेन को मेल्ट करती है? नहीं, रेन रेन स्नो को मेल्ट करती है। ओ नहीं, स्नो रेन को बना दी थी, स्नो ही बना दी थी रेन को। हाँ, ज्यादा कोल्ड होती है तो रेन जो है स्नो बन जाती है। हाँ, तो पानी आएगा उसे, और ये जो स्नो है वो फिर रेन बन गई, पानी बन जाएगा। हाँ, ये कर देगी। अच्छी तो आप ये कर वीडियो ऑन माय चैनल और माय गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? हाँ,
अच्छा वीक डेज में हमारा यही होता है, मनहा स्कूल चली जाती है, फिर थोड़ा सा टाइम हसन और मैं स्पेंड करते हैं, और फिर उसके बाद खाने का टाइम हो जाता है और खाना फिर मैं जल्दी जल्दी से बनाती हूँ। आज मैं बड़ा कुछ बना रही हूँ, बस ये होता है कभी कभी ये भी होता है, कोई जो है ना ऐसा डे भी आता है जिसमें दिल करता है बस ये भी बना लो वो भी बना लो। तो आज मैं आलू पालक बना रही हूँ और उसके अलावा जो है बच्चों के लिए नूडल्स बना रही हूँ, और अपने लिए जो है ना खाना मैं तो जल्दी खा लेती हूँ, तो जो एक दिन पहले का बना हुआ था मैं वो दोपहर में वो खा लेती हूँ, रात को जो फ्रेश वाला बनाती है ना वो फिर रात को खाती हूँ। तो मेरा जो है ना पुलाव बना हुआ था, मैंने उसकी बिरयानी बना के खाई, प्याज टमाटर सब्ज़ मिर्ची और उसमें बिरयानी मसाला डाल के ना मैंने उसकी बिरयानी बना के और वो खा ली थी, यानी पुलाव को उस प्याज टमाटर में डाल दिया तो वो बिरयानी ही बन गई थी। और ये जो है ना मेरा मसाला रेडी हो गया आलू पालक का, तो बस अब इसमें आलू डाल के थोड़ी देर इसको भून लूँगी और फिर उसके बाद इसमें बस पालक डाल दूँगी तो ये भी रेडी हो जाएगा। और मसाले में ना कसूरी मेथी डाल दे तो इतना ज़बरदस्त मज़े का टेस्ट आता है आलू पालक का, वो कसूरी मेथी का भी ना तो बड़ा जो है मज़े का टेस्ट लगता है। और जो तीसरी साइड पे अब जो मैंने स्टार्ट किया ना वो मैं बना रही हूँ, मैंने बच्चों के लिए ना कीमे की टिक्कियाँ जो होती है ना कबाब वो बनाए थे तो उनको अच्छे नहीं लगे थे, फिर वही जो कीमे का जो मैरिनेशन हुआ हुआ सारा मटेरियल था ना इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट प्याज और बाकी सारी स्पाइसेस जो होती हैं वो डाल के मैंने ये मटेरियल तैयार किया हुआ था। तो अब इसको मैंने जस्ट ऑयल में डाला, अब भून लूँगी और भून के जो है ना इसको अब मैं नूडल्स में डाल लूँगी। तो बस अब इसको यही जो है इस तरह बच्चे ना खाएं तो मैं यही करती हूँ फिर नूडल्स बना के और उसमें डाल के, तो ये जो है वो कीमा रेडी हो गया और इसमें टमाटर डाल दिए थोड़ा जूसी सा हो जाए और बाद में जो बच्चों के नूडल्स हैं उसमें ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने इसमें पालक भी डाल दी थी, अब इसको कवर करके रखा है कि ताकि जो है ना आलू गल जाए, और पालक का इतना अपना पानी जो है निकलता है कि आलू उसी से ही गल जाते हैं। वहाँ पे मेरे नूडल्स भी रेडी हो गए थे और ये जो है ना ये वही जो पुलाव को मैंने बिरयानी बना दी, यानी पूरा पुलाव बना हुआ था उस पर प्याज टमाटर का मसाला बना के ये बिरयानी मेरी रेडी होगी। तो ये ज़बरदस्त मज़े के साथ साथ मैं बिरयानी खाऊंगी और साथ साथ जो है ना ये सारा अपना किचन का काम भी कंप्लीट करूंगी। और अच्छा अब ये जो भूनने वाला जो आ जाता है ना पॉइंट, इस पर यह है कि बस इसका मैं यही करती हूँ कि इसमें थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए ना तो ये मेरा रेडी हो जाता है आलू पालक, बहुत ज़्यादा भी नहीं ड्राई करती और बहुत ज़्यादा भी नहीं पतला पतला सा रहे ना, तो इसको मीडियम ही रखती हूँ कि इतना बस थोड़ा सा जैसे ऑयल ऊपर आ गया ना तो बस ये मेरा रेडी हो जाएगा। थोड़ा जूसी जूसी जो है ना वो अच्छा लगता है, बच्चे खाते हैं तो वो फिर सही रहता है, इवन कि राइस के साथ भी खा ले तो मज़े के लगते हैं आलू पालक। तो मोस्टली तो जो है मैं तो रोटी के साथ भी और राइस के साथ दोनों के साथ खा लेती हूँ। तो बस ये मेरा जो है ना आलू पालक भी रेडी हो गया था। और उसके अलावा अब एक और मैं क्या चीज़ बनाने लगी हूँ, ये मेरा सारा कुछ कंप्लीट हो गया, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है ये स्टीम वेजीज, अब स्टीम वेजीज बना रही हूँ। और स्टीम वेजीज में जस्ट मैंने हल्का सा ऑयल डाला है, नमक डाला है और ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, बच्चों के लिए नहीं डालती, तो इसमें मैंने ब्रोकली जुकीनी और उसके अलावा जो है स्क्वैश और बेल पेपर, तो ये स्टीम वेजीज भी रेडी हो गई। और उसके बाद चाय, क्योंकि खाना मैंने खा लिया था और चाय का टाइम हो गया था तो मैंने साथ चाय पी और जल्दी जल्दी मैंने लास्ट सीप भी लिया तो मनहा को लेने का टाइम हो गया था और फिर हम भागम भाग आए हसन और मैं मनहा को लेने। और यहाँ पे यही जो है ना स्नो के हालात अभी एज इट इज़ ही हैं और अब बल्कि स्लीट भी बनी हुई है, तो बस इस एरिया से हट के ही हम चलते हैं कि यहाँ पे अगर हमने फुट रखा तो हम स्लिप हो जाएंगे, तो बस अब यहाँ पे हम खड़े वेट कर। हसन है, कोई डैडी बनाया हुआ है। हेलो माय बेबी, आ माय बेबी, तो उसने अपना डैडी बना लिया। हाय माय बेबी, ओ ओ गिर जाओगे, आगे आगे पहले सीधी हो। फ्रॉग है, किधर है फ्रॉग, किधर वो मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा, कहाँ वो ग्रीन ग्रीन, ये फ्रॉग है? हाँ नहीं ग्रास कोई लग, हाँ ये फ्रॉग तो नहीं है, ये ग्रास तो ब्लैक। अच्छा पीछे हो जा फ्रॉगी, ओके अच्छा कम ऑन। मनहा भी आ गई थी और थोड़ी सी ग्रॉसरी करने वाली थी, हम लोग देसी ग्रॉसरी स्टोर पे आए थे, हम लोग तो गाड़ी में ही बैठे हैं, बस मनहा और उसके डैडी जो है ग्रॉसरी करने गए हैं, आटा और इस कुछ मसाले वगैरह रह गए थे तो बस वो हम यहाँ पे लेने आए हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टॉप हमारा ये है और फिर उसके बाद हम जाने लगे हैं वॉलमार्ट, और वॉलमार्ट से लेनी थी कुछ चीज़ें। तो एक मुझे ये नज़र आ गया शुगर फ्री चॉकलेट जो होती है ना, ये मैं पहले बहुत ज़्यादा खाती थी,
और बड़ी अच्छी ज़बरदस्त मज़े की होती है। इसमें कोकोनट वाला फ्लेवर मुझे पसंद है, तो मैंने वही कोकोनट लिया और इसके अलावा चॉकलेट लिया। और इसके अलावा आप गिफ्ट देख रही थी कि ये जो क्रिसमस हुई थी ना, क्रिसमस के गिफ्ट सबको दिए थे, नेबर में से एक रह गई थी, वो आउट ऑफ कंट्री गई थी अपने बैक होम पे, डिफरेंट कंट्री है वहाँ पे गई हुई थी, तो वो आई हैं वापस, तो मैंने कहा उनको भी कंप्लीट कर लूँ, क्रिसमस का गिफ्ट दे दूँ। तो वही मैं यहाँ पे अब जो है ना वॉलमार्ट में लेने आई थी, तो बच्चे के लिए मैं गिफ्ट यहाँ से टॉयज वगैरह देख रही थी और जो गिफ्ट देना है वो भी मैं चीज़ें देखती फिर रही थी। तो बस यहाँ पे हम वॉलमार्ट में फिर आए हैं क्विकली, हमने कहा जल्दी जल्दी से चीज़ें ले लें क्योंकि आज वो हमारे घर आ रही थी, तो मैंने कहा साथ ही हम भी दे दें गिफ्ट जो रह गया हमारा। और तो हमारी ग्रॉसरी भी कंप्लीट हो गई थी, बस अब हम घर जा रहे हैं। और आई होप सो आप लोगों ने भी आज की वीडियो को एंजॉय किया, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।